आप जुड़ी पहली खबर की बात कर लेंगे, लेकिन बात अगर दो खबरों की करें तो पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। आपसे जुड़ी पहली खबर जो है उसमें बात करेंगे हम आरबीआई ने जो अलर्ट किया है उसके बारे में, यानी कि 14 घंटे तक देश भर में आरटीजीएस सर्विस जो है वो बंद रहेगी। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो बात करेंगे किस तरीके से बच्चों में जो है लॉकडाउन और कोरोना के कारण डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में इन दो समस्याओं के बारे में आज बात करेंगे। पहली खबर जो है वो आरपीएस जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी खबर जो है बच्चों में डिप्रेशन जुड़ी हुई है। तो आप जुड़ी इन दोनों खबरों पर आज चर्चा होगी। तो बात कर लेते हैं आप जुड़ी पहली खबर की। यदि आप भी बैंक की रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस सेवाओं का उपयोग करते हैं तो रिजर्व बैंक का ताजा अलर्ट आपके ही लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज ट्वीट कर सूचित किया है कि 2 लाख रुपए की अधिक राशि भेजने के लिए उपयोग होने वाली आरटीजीएस सर्विस शनिवार 17 अप्रैल की मध्य रात्रि से 14 घंटे के लिए उपलब्ध नहीं होगी। ग्राहक 18 अप्रैल की दोपहर 2 बजे के बाद ही इस सेवा का उपयोग कर सकेंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि आरटीजीएस सिस्टम के डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए जो है इसका टेक्निकल अपग्रेडेशन करा जा रहा है और इस अपग्रेडेशन की वजह से सर्विस जो है वो 14 घंटे के लिए अनुपलब्ध रहेगी। वहीं केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए 2 लाख रुपए तक के लेन देन के लिए उपयोग होने वाले लोकप्रिय नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर पहले की तरह ही काम करता रहेगा। तो रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा है कि 17 अप्रैल 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद आरटीजीएस प्रणाली की क्षमता को बेहतर बनाने तथा डिजास्टर रिकवरी आपदा सुधार समय को और बेहतर बनाने के लिए आरटीजीएस को तकनीकी रूप से उन्नत किया जाएगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ बैंक मैनेजर गौरव भार्गव जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। पहले तो गौरव जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, और पहला सवाल यही रहेगा कि जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए कि आरटीजीएस सेवाएं होती क्या हैं और इनके बंद होने से क्या नुकसान आम इंसान पड़ता है। जी नमस्कार। सबसे पहले हम बात करते हैं आरटीजीएस। आरटीजीएस और एनईएफटी जैसा आपने बताया, तो ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी जो होता है, जो आपने कहा अप टू 2 लाख, और आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस? एक्चुअली दो बेसिक डिफरेंस इन ये दोनों फंड ट्रांसफर के मोड्स हैं जिनमें कि बैंक टू बैंक हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है फैसिलिटीज में? आरटीजीएस जो है वो बेसिकली 2 लाख से नीचे का अगर अमाउंट है तो आरटीजीएस नहीं होता है, 2 लाख से ऊपर में ही आरटीजीएस होता है। और एनईएफटी जो है वो किसी भी अमाउंट का हो सकता है, वो 2 लाख से ऊपर भी हो सकता है, बट चूंकि 2 लाख के ऊपर आरटीजीएस की सुविधा भी हमारे पास होती है इसलिए हम जनरली आरटीजीएस ही करते हैं 2 लाख से ऊपर में। जी। अब एक और जो मेजर डिफरेंस है कि क्यों हम दो फैसिलिटी अलग बैंक के पास हैं, आरटीजीएस जैसा कि नाम इसका बताता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें फंड का जो सेटलमेंट है वो रियल टाइम में होता है यानी कि तत्कालिक होता है। जैसे ही यहाँ से फंड ट्रांसफर एक बैंक से होता है वो आरबीआई से रूट होता हुआ तुरंत दूसरे अकाउंट में, दूसरे बैंक के खाते में पैसा रियलाइज हो जाता है, अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। वहीं एनईएफटी में दूसरी ओर क्या होता है कि 2-2 घंटे के स्लॉट्स होते हैं और एक समय के बाद जब वो एक स्लॉट पूरा होता है उस स्लॉट के बाद फंड ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली जो टाइम है जो लगता है फंड ट्रांसफर में उसका डिफरेंस है। आरटीजीएस में तात्कालिक फंड ट्रांसफर होता है, एनईएफटी में थोड़ा सा समय बाद फंड ट्रांसफर होता है। जी। तो ये है एनईएफटी आरटीजीएस। गौरव जी अगर यहाँ पे देखा जाए तो आरटीजीएस जो है 14 घंटे के लिए बंद की जा रही है, ऐसे में जो डिजास्टर जो फिलहाल में कहा गया है कि जो फिलहाल की स्थिति है उसको देखते हुए कि इससे आम जो लोग यूज करते हैं इसको, जो बिजनेसमैन हैं फिलहाल में हर काम जो है घर से चालू है तो जितना ही फंड ट्रांसफर काम सब घर से कर रहे हैं, ऐसे में इसके बंद होने से बिजनेस पे क्या नुकसान होगा? आम इंसान जो रोज ट्रांसफर करते हैं जिनका डेली का लेन देन का काम है फिलहाल में घर पे ही है सब लोग, व्यापार जो है कैश में बंद है तो सब ऑनलाइन ही चल रहा है, ऐसे में जो ट्रांसफर करने वाले लोग हैं उनको क्या दिक्कत आएगी इस पूरे बंद होने की प्रक्रिया में? जी देखिए, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि पहला तो आरबीआई ने जो समय चुना है इसका वो शनिवार रात 12 बजे, मतलब रविवार की रात हो जाएगी, वो शनिवार की जो रात रहेगी 12 बजे की तब से लेके और रविवार 2 बजे दोपहर 2 बजे तक 14 घंटे का ये इसमें बीच में ब्रेक दिया है। तो अमूमन संडे को लगभग सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान वैसे ही सबकी वर्किंग बंद रहती है। जी।
तो इस समय में एक तो इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा जो NEFT है वो अभी भी यथावत काम करता रहेगा, तो उसमें भी पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कहीं पे परेशानी और दिक्कत आने वाली है ग्राहकों को। जी गौरव जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर से यहाँ जो कह रहे हैं कि अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशन है, इसके बारे में कुछ बताइए कि मतलब टेक्निकल अपग्रेडेशन किस तरीके से किया जा रहा है RTGS में, और साथ ही ऐसी सेवाएं जो हैं क्या इनमें कोई और नई सुविधा भी हमें मिलेगी? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली इसके दो पर्पस हैं, दो मोटिव हैं RBI के जी इस अपग्रेड के। अमूमन RBI इतना बड़ा ब्रेक कभी भी बैंकिंग सिस्टम में इतना लेते नहीं हम लोग। अभी क्या है, RTGS की सुविधा जो है, RTGS की सुविधा सिर्फ बैंक्स के पास है। तो अभी ये जो अपग्रेड है, इनके दो उद्देश्य हैं। एक तो सिक्योरिटी फीचर्स को अपग्रेड करना है, जैसा कि बता रहे हैं, जी टू मिनिमाइज द रिस्क, रिस्क को कम करने के लिए टेक्निकल अपग्रेड कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी इंप्रूव हो। दूसरी चीज, फेस मैनर में जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं उनको भी ये सुविधा मुहैया कराने वाली है RBI। तो ये उसका पहला चरण होगा। उस चीज की टेक्निकल अपग्रेड भी इसमें शामिल है ताकि जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी इसमें जोड़ा जा सके, जिससे और अधिक ग्राहकों को ये सुविधा हो और डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़े। जी गौरव जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर जो है ये चालू रहेगा, इसके बारे में बताइए कि अगर इसके चालू रहने से क्या फायदा जो है जो भी सर ट्रांजेक्शन कर रहा है इंसान उसके ऊपर क्या होगा, साथ ही अगर ये भी बंद हो जाता तो फिर क्या होता? देखिए, अगर ये भी बंद हो जाता तो फिर मतलब जो UPI और IMPS हैं वो ऑप्शन हमारे पास होते, बट उनका जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो कम रहता है काफी, तो बड़े जी ट्रांजेक्शन उनमें नहीं हो सकते थे। बट क्योंकि अभी हमारे पास NEFT की सुविधा उपलब्ध रहेगी, तो जी NEFT में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लाख तक NEFT होता है। जी NEFT 2 लाख से ऊपर भी होता है, बट क्योंकि क्योंकि RTGS जो है वो सिर्फ 2 लाख के ऊपर होता है, इसलिए इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि अप टू 2 लाख NEFT होगा और 2 से ऊपर RTGS। तो बस डिफरेंस एक छोटा सा ये होगा कि जहाँ RTGS में फंड जो है रियल टाइम सेटल होता है, यानी कि जी तुरंत सेटल हो जाता है, वहां इसमें थोड़ा सा एक दो दो घंटे के इनके स्लॉट होते हैं RBI के, तो स्लॉट्स में पैसा रियलाइज होता है। बस थोड़ा सा जो एक परेशानी वाली बात रहेगी वो इतनी सी रहेगी कि पैसा थोड़े से इंटरवल के बाद सामने वाले के बैंक खाते में पहुंचेगा, बाकी सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। जी यहाँ पर जो डिजास्टर रिकवरी की जा रही है यानी कि जो आपदा सुधार है इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस वक्त में, क्योंकि फिलहाल की अगर स्थिति देखें तो अगर बैंक में ये सब चीजें भी बंद हो जाएंगी 14 घंटे के लिए, या फिर बिजनेसमैन फिलहाल में खैर ये बात है कि बिजनेस इतने ज्यादा भी नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर इसके बारे में जाना जाए कि डिजास्टर रिकवरी एक्चुअली में है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, तो क्या विवरण देंगे आप? ये देखिए, ये तो समय समय पे लाई जाने वाली अपडेट्स होती हैं सिस्टम में। जी हम जैसे लैपटॉप चलाते हैं तो उसमें भी हम सिस्टम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते हैं, फोन में भी करते हैं, जी एंटीवायरस अपडेट करते हैं। इसी टाइप से सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के पर्पज से RBI ने ये ब्रेक लिया है और टेक्निकल अपग्रेड चालू कर रहे हैं ताकि और ग्राहकों को अच्छा सिक्योर फीचर दे सकें और अपने RTGS सिस्टम में सुधार ला सकें। इस पर्पस से उन्होंने इसको ये जी अपग्रेड लाने का फैसला लिया। जी यहाँ पे अगर देखा जाए लेन देन के लिए कई सारी चीजें हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अगर यहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर लें, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ही जहाँ तक अपग्रेडेशन हो रहा है, तो ऐसे में सिक्योरिटी के पहले मतलब इस अपग्रेडेशन के पहले जो है क्या दिक्कतें RBI को आई जिसकी वजह से इसकी जरूरत पड़ रही है, और 14 घंटे का समय काफी लंबा समय होता है, तो ऐसे में इसकी जरूरत इतनी ज्यादा क्यों है इस वक्त में? देखिए, क्योंकि हम एक बात समझें कि अभी जो एरा है, जो युग है, वो टेक्नोलॉजी का ही है। तो जी जैसे जैसे हमारी सुविधाएं टेक्नोलॉजिकली बढ़ती जा रही हैं, उनके खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग फिशिंग अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, जी अकाउंट्स में सेंधमारी होती है। एज सच अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से RBI ये नहीं कर रहा है, बट क्योंकि अपग्रेड होते रहते हैं हर लेवल पे, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं, सारी चीजें समय के साथ उन्नत होती जाती हैं, तो इसी व्यवस्था को लेके RBI का अभी काफी समय से कोई अपग्रेडेशन था नहीं। लास्ट जो इन्होंने लास्ट ईयर एक 14th दिसंबर को 14th दिसंबर 2020 से जो RTGS सुविधा है वो 24x7
चालू करी थी। तो ऐसे समय समय पे बदलाव आते रहते हैं जिससे कि ग्राहकों की सुविधा बढ़े, और जो आरबीआई जो हमारा केंद्रीय बैंक है उनका कहीं ना कहीं यही सोचना रहता है कि वो एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दें, अच्छी से अच्छी सुविधा मिले ग्राहक को और एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर पाए, तो यही इन सब चीजों का उद्देश्य रहता है। जी गौरव जी, अगर यहाँ पर इस मुद्दे से थोड़ा हटके बात कर ली जाए तो जैसे रिजर्व बैंक ने अभी अलर्ट जारी कर दिया है, ऐसे में जो लोग नहीं जानते इस खबर के बारे में, जो ट्रांसफर कर लेते हैं या फिर कभी कभी होता है ना कि जब आपने ट्रांसफर किया और उसी टाइम सेवा बंद हो गई तो अमाउंट अटक जाता है उस टाइम पे, तो ऐसी से चीजों के लिए जो ऐसी दिक्कतें होती है उससे कैसे फिलहाल में डील किया जाए? देखिए दो चीजें, जैसे किसी को अगर नहीं जानकारी है तो अब कल वो इस मतलब रविवार को इस सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, पर जैसा कि हमारी अभी चर्चा हुई एनईएफटी चालू रहेगा तो वो एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार जब ट्राई करेंगे नहीं फंड होगा तो मेरे ख्याल से सभी मतलब ये जानकारी तो इकट्ठा कर ही लेते हैं। दूसरी बात रही उस फंड अटकने की, तो मैं नहीं समझता क्योंकि आरबीआई ने ऐसा टाइम रखा है कि रात को 12 बजे से वो शट करेंगे और उसी मोमेंट पे कोई ट्रांजेक्शन हो रहा हो। इसके अलावा अगर होता भी है तो बैंक्स और आरबीआई के पास बहुत ही उम्दा एक रिकन्सिलेशन और आपका सेटलमेंट की सुविधा है जो कि मतलब ज्यादा ग्राहकों को परेशानी इससे नहीं आने वाली है। जी तो गौरव जी, अगर आप इस पे अगर ग्राहकों की क्या सलाह देना चाहेंगे आज के टाइम में कि अगर ये बंद होती है या फिर इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन है ट्रांजैक्शन करने का कि अगर बंद कर देती है तो इसके अलावा फिर क्या ऑप्शन बचता है जब अगर इम्पोर्टेंट ही है ट्रांजैक्शन करना उस वक्त में तो? हाँ जी, हाँ जी, देखिए अभी क्या है, जैसे अगर हम छोटे व्यापारियों की बात करें या हम जनरल जो भी उपयोग करते हैं, जैसे अगर हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, अगर हम व्यापार नहीं भी करें, हम कंज्यूमर भी हैं, तो आजकल सबसे ज्यादा उपयोग यूपीआई का, आईएमपीएस का हम लोग करते हैं, जो हमारे गूगल पे फोन पे वगैरह जो एप्स हैं पेटीएम उन पे सब पे हम यूपीआई लिंक है, तो जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है उनके लिए हम इनको उपयोग करते हैं और करते रह सकते हैं, इनमें कुछ भी बंद नहीं होने वाला है। जी दूसरा, जिनको बड़े ट्रांजेक्शन करना है उनके लिए एनईएफटी चालू रहेगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है उस से बड़े ट्रांजेक्शन भी किए जा सकेंगे, ऐसा नहीं है कि अप टू 2 लाख ही कर सकेंगे, बड़े ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा सेटलमेंट में थोड़ा सा समय लगेगा, तो सुविधाएं पर्याप्त रहेंगी, काम कोई भी रुकेगा नहीं, इसलिए आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी को दोनों को एक साथ नहीं बंद किया है, एक ही सुविधा एक बार में बंद करके ताकि एक चीज चालू रहे तो ग्राहकों को व्यापारियों को परेशानी का कम से कम सामना करना पड़े। जी तो गौरव भार्गव जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो यहाँ पर आरबीआई ने अलर्ट जारी कर दिया है कि 14 घंटे के लिए जो है आरटीजीएस सर्विस जो है वो बंद रहेगी, और ऐसे में आपके लिए सुविधा जो है काफी सारी और भी खुली हुई है, आप जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है जैसे कि यूपीआई जो होता है वो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जहाँ जो सुविधाएं हैं वो रविवार की रात 12 बजे से, यानी कि रविवार रात 12 बजे से रविवार दोपहर 2 बजे तक शुरू हो जाएंगी, इसलिए ये जो है ये सिर्फ एक अपग्रेडेशन है, डिजास्टर रिकवरी है, आपदा जो सुधार कहते हैं उसको, ये इसीलिए किया जा रहा है, तो इसके बाद जो है व्यवस्था है वो और ज्यादा सुचारू रूप से काम करेगी और इसीलिए ये अपग्रेडेशन।